हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आखिरकार वो दिन आ गया, भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। भारत मंडपम विदेशी मेहमान से गुलजार है। भारत मंडपम पहुंचे मेहमानों का पीएम मोदी ने स्वागत किया और इसके साथ ही राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पीएम मोदी ने वेलकम किया। बाइडेन को पीएम मोदी ने कोणाकार के सूर्य चक्र के बारे में जानकारी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा का पीएम मोदी ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस की प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का स्वागत किया। महाशक्तियों का ये महासम्मेलन और यहां पर कितने गर्मजोशी के साथ मिलते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ, और खुद ऋषि सुनक भी काफी उत्साहित हैं। योर हाइनेसेस, एक्सलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति, अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। देश में इन दिनों भारत बनाम इंडिया का विवाद चल रहा है। G20 की बैठक में भी ये दिखा, पीएम मोदी जहां बैठे हुए हैं वहां पर अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में पीएम मोदी के सामने लिखी प्लेट पर इंडिया की जगह अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ दिखा, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया। स्मृति ईरानी ने लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। दिल्ली के दरबार में जिस वक्त महाशक्तियों का मंथन हो रहा था, उस वक्त हर किसी की नजर सिर्फ यही थी। पीएम मोदी की डेस्क पर लिखी ये नई पहचान है भारत। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने आज देश की नई पहचान बताई। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी की डेस्क प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। G20 समिट शुरू हुई तो पहले दिन सभी राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान भारत मंडपम पहुंचे। पीएम मोदी ने हरेक का दिल खोलकर स्वागत किया। बाइडेन, सुनक, मेलोनी,
क्राउन प्रिंस सभी से पीएम गर्मजोशी के साथ मिले। पीएम मोदी ने अध्यक्षता की तो हर किसी का ध्यान सामने रखी इस प्लेट की तरफ गया, जो बता रहा था कि इंडिया नाम की प्लेट पुराने दिनों की बात है, लेकिन भारत ही आज है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब G20 से जुड़ी किसी प्लेट पर इंडिया की बजाय भारत नाम का इस्तेमाल किया गया हो। राष्ट्रपति के डिनर इनविटेशन कार्ड से लेकर इंडोनेशिया में पीएम मोदी के दौरे तक और अब G20 में पीएम मोदी की नेम प्लेट तक हर कहीं भारत लिखा है। G20 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देश के नाम के तौर पर भारत शब्द के नेम प्लेट से एक बात तो साफ हो गई है कि इंडिया नाम चेंज हो या ना हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ भारत शब्द का इस्तेमाल देश के तौर पर होगा। 18 सितंबर से मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि विशेष सत्र में आधिकारिक नाम इंडिया की जगह भारत करने का सरकार प्रस्ताव रख सकती है, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत को लेकर भारत मंडपम में हुए पहले सत्र के विजुअल्स हैं। भारत मंडपम के भीतर कैसा माहौल है, पीएम मोदी ने इनसाइट वीडियो ट्वीट किया है। प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। G20 में शामिल होने आए IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने ओडिशा की संबलपुरी गाने पर डांस किया। जब वो यहां पर पहुंचे तो कलाकारों को डांस करता देख डांस करने से खुद को रोक नहीं पाए। G20 सम्मेलन में आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बेटे किसिंग ने अपने वाइफ के साथ ताज का दीदार किया। कड़ी सुरक्षा के बीच में दोनों के ताज में प्रवेश हुआ और दोनों ने बारिश के साथ हुए खुशनुमा मौसम में ताजमहल का दीदार किया और ताजमहल के इतिहास को भी जाना। और दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी सदन पहुंचे सीएम योगी, शाम को डिनर में शामिल होंगे सीएम योगी। G20 डेलीगेट्स के साथ डिनर कार्यक्रम है, राष्ट्रपति ने डिनर का आयोजन किया है और इस डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ G20 डेलीगेट्स के साथ डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी सदन पहुंचे हैं सीएम योगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे, जहां पर आज सीएम धामी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए डिनर में शामिल होंगे। सीएम धामी ने कहा G20 का देश में होना भारत के लिए गौरव का पल है।
तो भारत में G20 का होना गौरव की बात बताया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने कहा जहां आज सीएम धामी राष्ट्रपति द्वारा क्योंकि डिनर में शामिल होंगे और सीएम धामी ने कहा G20 का देश में होना भारत के लिए गौरव का पल है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और आज सीएम धामी राष्ट्रपति के द्वारा जो इनविटेशन दिया गया डिनर पार्टी के लिए उसमें शामिल होंगे। सीएम धामी ने कहा G20 का देश में होना गर्व की बात। G20 क्राफ्ट बाजार में उत्तराखंड का स्टॉल लगा है। स्टॉल पर केदारनाथ और बद्रीनाथ की कलाकृतियां रखी गई हैं और इसके साथ ही कई उत्पादों के साथ बिच्छू घास की जैकेट की भी तारीफ हो रही है। स्टॉल में उत्तराखंड राज्य के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद भी रखे गए। यहां पर अल्मोड़ा के ऊनी स्काफ, डूडा शॉल, पिथौरागढ़ के ऊनी कारपेट, नैनीताल की एपण और उधम सिंह नगर की मूंज घास के उत्पाद रखे गए हैं। नेटल के प्रोडक्ट हैं, नेटल फाइबर के प्रोडक्ट, इसमें नेटल फाइबर का स्टोन हो गया, जैकेट्स हो गया और ये फेमस अल्मोड़ा की ट्वीट जो कि नैनीताल और अल्मोड़ा में जितने भी सैलानी वहां पे आते हैं वो लोग इस ट्वीट को बहुत पसंद करते हैं और अच्छे दामों में ये ट्वीट वहां पे विक्रय की जाती है। इसके साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड की पहाड़ी टोपी जो कि एक आज पहचान बन चुकी है उत्तराखंड की। G20 शिखर सम्मेलन में पद्मश्री पुरस्कार विजेता दिलशाद हुसैन को भी बुलाया गया। वो विदेशी मेहमानों को अपना हुनर दिखाएंगे। दिलशाद हुसैन ने कहा कि हमने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक स्टॉल लगाया था। पीएम मोदी हमारे स्टॉल पर आए और उन्हें हमारे स्टॉल की चीजें पसंद आई। उन्होंने हमारी कला की सराहना की। इंदिरा गांधी स्थान जो है लखनऊ के अंदर, वहां पर हमारी स्टॉल लग रही थी। हमारे स्टॉल पर प्रधानमंत्री जी मोदी साहब आए और हमारे स्टॉल पर जो आइटम रखे थे वो देखे अच्छे से, बहुत अच्छे लगे, उन्हें पसंद करे, बोले आपकी कला अच्छी है, ठीक है। उसके बाद हम अपने घर आ गए। स्टॉल जब पूरी और टाइम हो गया तो हमारे पास 3 दिन के बाद फोन आता है कि आपके स्टॉल पर एक ब्लैक कलर का मटका रखा था। मैंने कहा जी हाँ रखा था। तो बोले आप वो भेज दीजिए प्रधानमंत्री जी को, वो पसंद आ गया है और वो आपका मटका जो है जर्मन लेके जाएंगे और वहां गिफ्ट देंगे। तो मैं कहा साहब तो बड़ी खुशी की बात है, और बोले इसके साथ में बिल भी भेज देना। तो मैंने कहा साहब बिल तो नहीं भेजेंगे, अब हम आपने कहा गिफ्ट देने जा रहे हैं तो हमारी तरफ से भारत को ये गिफ्ट है, ये मैंने इस तरह से उनसे कहा।